हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए फॉर्मल शूज़ कलेक्शन। ये जो शूज़ कलेक्शन है दोस्तों, ये रिंकल फ्री होने वाले हैं, लॉन्ग ड्यूरेबल होने वाले हैं और लेदर में होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारे शूज़ अभी अप टू 50% ऑफ में भी आ रहा है और ये सारे शूज़ दोस्तों बहुत ही कंफर्टेबल होने वाले हैं। अगर आप ऑफिस में 12 घंटे या 13 घंटे उससे भी ज़्यादा रहते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए शूज़ कोई देख रहे हैं, तो ये शूज़ आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट शूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये बाटा की मैस्कॉट डर्वी शूज़ है। ये शूज़ का रिव्यू दोस्तों आउट ऑफ 5/5 है अमेजोन पे। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। शूज़ का खास बात ये है दोस्तों, ये रिंकल फ्री शूज़ होते हैं क्योंकि इसका जो लेदर यूज़ किया गया है दोस्तों, ये ग्रीन लेदर कहते हैं। ये कोई प्लेन लेदर नहीं है। प्लेन लेदर में अगर आप शूज़ पहन के थोड़ा सा मुड़ जाओगे तो उसमें रिंकल दिखाई देते हैं, लेकिन इस शूज़ में रिंकल दिखाई नहीं देंगे आपको। इसका जो आउटसोल है दोस्तों, ये प्यू मटेरियल से बनाया गया है, इसलिए ये काफ़ी लाइट वेट है। अपर साइड आप देख रहे हैं दोस्तों, एडजस्ट करने के लिए लेसेस है, आपकी पैर की अकॉर्डिंग लेसेस एडजस्ट कर सकते हैं। शूज़ की इंसोल की बात करें तो दोस्तों, इसका इंसोल ठीक ठाक ही है, काफ़ी कुशनिंग नहीं है इसमें। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी शूज़ को पहनेंगे तो सॉक्स के साथ पहनना। शूज़ की बैक साइड दोस्तों काफ़ी कुशनिंग दिया गया है, इसलिए आप शूज़ को पहन के जब चलेंगे आपके पैर की बैक साइड, न्यू शूज़ लेते हैं तो कट जाते हैं, तो ऐसे शूज़ कटेंगे नहीं। इसमें दोस्तों 1 इंच का हील दिया गया है। हील देने के कारण जैसे आप शूज़ को पहन के चलेंगे, आपके पैर के हर एक स्टेप सही जगह पर पड़ेंगे, आपकी एड़ियों में दर्द भी महसूस नहीं होगा आपको। नेक्स्ट जो शूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये बाटा ब्रांड की रेड लेवल कलेक्शन है दोस्तों। ये जो शूज़ है दोस्तों, ये सेमी फॉर्मल में आ जाते हैं दोस्तों। अगर आप इस शूज़ में देखेंगे, इसमें 2-3 कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल शूज़ की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। आप साइड में देख सकते हैं, जैसे डॉट डॉट निशान दिया गया है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका जो आउटसोल की बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये TPR में बनाया गया है। TPR होते हैं थर्मोप्लास्टिक रबर, इसलिए शूज़ का ग्रिप भी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी भी सरफेस में ये स्किप नहीं होगा। बाकी ओवरऑल शूज़ की अपर मटेरियल के बारे में बात करें तो दोस्तों, अपर मटेरियल जो है इसका प्यू से बनाया गया है, इसलिए इसका लॉन्ग ड्यूरेबल होती है। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा, अगर आप इस शूज़ को पहनते नहीं हैं तो खुले जगह पर आपको रखना होगा, किसी भी बॉक्स में बंद करके रखेंगे तो हाइड्रोलिसिस होके ये छट जाएगा। उसको केयर करना बिल्कुल इजी है दोस्तों, क्योंकि ये प्यू मटेरियल से बनाया गया है, इसलिए इसको आपको पॉलिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो शूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये ऑलराउंडर शूज़ है बाटा की, क्योंकि इस शूज़ को आप ऑफिस में भी पहन के जा सकते हैं और पार्टी में भी पहन के जा सकते हैं। शूज़ की खास बात ये है दोस्तों, ये रिंकल फ्री शूज़ है, इसमें आपको 2 से 3 कलर देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। इसका जो मटेरियल है दोस्तों, ये प्यू मटेरियल से बनाया गया है, इसलिए दोस्तों ये शूज़ वाटर रेजिस्टेंस भी हो जाते हैं। और ये प्यू मटेरियल से बना होने के कारण इसको आपको पॉलिश करने की कोई झंझट ही नहीं है। हफ्ते में 1 या 2 बार शू शाइनर से शाइनिंग कर देंगे तो ये चल जाएंगे। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी शूज़ आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस टाइप की और भी वीडियो हमारे चैनल में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।